कल वाली वीडियो में मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी। मैंने बोला था कि बोल जानी का इंस्टाग्राम अकाउंट इंडियन यूट्यूबर लीजेंड एक्स ने बैन करवाया था, तो जानी का अकाउंट जिस लीजेंड एक्स ने बैन करवाया था वो और लीजेंड एक्स है। तो यूट्यूबर लीजेंड एक्स को डीएम में मैंने सॉरी बोल दिया था, तो अगर आपको भी बुरा लगा हो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। नेम सेम थे इसलिए मुझसे मिस्टेक होगी। तो जानी का अकाउंट जिस लीजेंड एक्स ने बैन करवाया था उसने अभी शारे का अकाउंट भी बैन करवा दिया है। बट अब बात कर लेते हैं तलांजम के बारे में। तो उमेर का 28 जुलाई को जो ट्रैक ड्रॉप होने वाला है नो अदर प्लेस, तो ये गाना तलांजम के साथ होने वाला है। उमेर का कहना है न्यू म्यूजिक दिस थर्सडे विद तलांजम, तो ये गाना म्यूजिक वीडियो के साथ ही ड्रॉप होने वाला है। अगर आपको याद हो तो उमेर ने 18 जुलाई को नो अदर प्लेस ट्रैक से रिलेटेड कुछ ऐसी स्टोरी लगाई थी। खैर अब बात कर लेते हैं जय हिंद के बारे में। तो जय हिंद ने लाइव सेशन में बोहेमिया पाजी और वाईएस के डाकू ट्रैक के लीक होने पर कुछ ऐसा रिएक्ट किया है। या नो हूएवर लीक दैट फक यू, हूएवर लीक दैट फक यू। But anyway, I'm not going to go in that energy. It's positivity, it's good vibes. तो अब बात कर लेते हैं O2 रिप्रेजेंट के बारे में। तो O2 रिप्रेजेंट का आज एक कॉन्सर्ट था जो कि अभी डिले हो चुका है ड्यू टू वेदर कंडीशंस। तो उमर अंजुम का कहना है ड्यू टू अनफॉर्चुनेट वेदर कंडीशंस वी आर डिलेइंग द शो, विल अनाउंस अ न्यू डेट सून। एसन अली मार के JJ47 और जैस का भी आज कराची में कॉन्सर्ट था, तो ये कॉन्सर्ट भी अभी पोस्टपोन्ड हो चुका है। इसकी भी सेम रीजन है वेदर कंडीशंस। तो इस पे एसन का कहना है शो हैज बीन पोस्टपोन्ड ड्यू टू वेदर कंडीशंस इन कराची, स्टे सेफ एंड इनडोर्स। का कहना है पोस्टपोन्ड अनाउंसिंग द न्यू डेट सून। जैस ने लाइव सेशन में तलांजम की एल्बम के बारे में बात करते हुए अपडेट दी है कि उनकी बैलेंस ईपी का नेक्स्ट ट्रैक मंडे को ड्रॉप होने वाला है। जैस ने लाइव में सैविज के साथ बीफ के अलावा डाकू ट्रैक के बारे में भी बात की है। अंजुम की एल्बम कब आनी है? इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी ब्रो, मैं भी वेट कर रहा हूँ। एल्बम का ब्रो मेरी ईपी चल रही है, नेक्स्ट ट्रैक मंडे को आ रहा है। सैविज से बीफ खत्म हुई है? नहीं, सैविज से पूछो ब्रो। डाकू ट्रैक के बारे में यार आसिफ अली बिल्कुल सही बोल रहा है। आसिफ अली या सैवेज किसको सपोर्ट करोगे अगर बीफ होती है? मैं किसी को क्यों सपोर्ट करूंगा ब्रो, मेरे सपोर्ट करने से क्या फायदा हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इका के बारे में। तो इका ने आज एक लाइव सेशन किया है जिसमें इका ने एमी वे और कृष्णा की बीफ के बारे में बात की है। कृष्णा और एमी वे में कौन जीता आपका ओपिनियन? यार मैं ना एल्बम में इतना बिजी था और मैं सही बताऊं बढ़िया है दोनों भाई अपने, यार अच्छे हैं यार, अच्छा काम करते हैं लड़के। मैं तो ये कहूँगा कि बस अच्छा म्यूजिक बनाए। अब बहुत लड़ लिया आपस में, वो गाली गलौच हो गई, अब प्रेम मोहब्बत से दोनों मतलब अच्छा म्यूजिक बनाए यार, बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं और मुझे पता कि बहुत अच्छे गाने बना सकते हैं। रैप डीमन की तरफ से जल्द ही म्यूजिक वीडियो आने वाली है। डायरेक्टर हमजा चौधरी ने शूट के बिहाइंड द सीन से कुछ ऐसी स्टोरीज लगाई हैं। JJ47 की तरफ से जल्द ही ट्रैक आने वाला है। JJ47 ने झोंके के साथ एक स्टोरी शेयर की है, मैं तुम और एक कप चाय। लेजरस का 7 अगस्त को एमी वे के साथ जो ट्रैक आने वाला है लोबोटोमी, तो इस पे लेजरस का कहना है मार्क योर कैलेंडर्स अगस्त 7 का दिन कयामत फॉर ऑल रैपर्स। फादी का 28 जुलाई को रावलपिंडी में कॉन्सर्ट होने वाला है जिसमें हमजी भी परफॉर्म करेंगे। शारे अख्तर का दानी रूमी के साथ एक ट्रैक आउट हो चुका है श्योर थिंग्स। साद खान का मास्क ऑन ट्रैक भी ड्रॉप हुआ है, तो गानों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।